मद्रास कोर्ट ने उसमें रिमांड दिया कितने दिन की? कोल लेविस स्कैम में उनका रोल होने की वजह से उनको आज कोल लेविस स्कैम के जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके संदर्भ में हमने उनको अरेस्ट किया है पूछताछ करने हेतु, और बहुत सारे डेटा जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसे कन्फर्म कराने के लिए अरेस्ट किया है, और हमको आज 3 दिन की रिमांड ग्रांट हुई। तो ये क्या इसमें किस तरीके की, क्योंकि पहले भी जाती रही हैं और बाद भी जाती है, इनसे पूछताछ होती रही थी तो गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी इस तरीके की बात? इनसे पूछताछ होती रही थी, पूर्व में होती रही थी, पूछताछ के दौरान इन्होंने हमेशा इवेजिव आंसर दिए जिसको कहते हैं डॉजिंग आंसर। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप दिन भर आके हमारे ऑफिस में बैठ जाइए, हमसे सवाल पूछते रहे, आप उसका आंसर मुझे नहीं मालूम, ये मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता है, डॉजिंग आंसर्स देंगे। और साथ ही साथ जब डॉक्यूमेंट से कन्फ्रंटेशन कराना होगा हमको या कुछ विटनेस से कन्फ्रंटेशन कराना होगा उसमें आप भाग नहीं लेंगे, ऐसी परिस्थिति में हमने को उनकी जो है अरेस्ट की जो है ज़रूरत पड़ी, इसलिए हमने उसका अरेस्ट किया हुआ है। ये उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी बताया जा रहा है कि पहले की प्रॉपर्टी है जिसे सीज करने की बात? जो प्रॉपर्टी है उनकी उसको हमने 3 भाग में बांटा, ए बी और सी। ए भाग की वो प्रॉपर्टी है जो इन्होंने खरीद पैसा डर्टी मनी जो था प्रोसीड्स ऑफ क्राइम उससे इन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए प्रॉपर्टी परचेज कर दी, पैसा इन्हीं का था या जो जनरेटेड पैसा था क्राइम करके उससे था। दूसरा पार्ट जो प्रॉपर्टी का था वो बेनामीदार हैं उनको उनके नाम से खरीदी, और तीसरा पार्ट जो प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं ऑफ द वैल्यू ऑफ, यानी हमने जितना प्रोजेक्टेड किया है, अगर जो हमने प्रोजेक्ट किया है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अगर वो जो प्रोजेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो हमको मूर्त रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास जो चीज़ें दिख रही हैं उसको हम बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत पावर दिया गया है कि उस वैल्यू की प्रॉपर्टी हम दूसरी प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं। 500 करोड़ रुपए तक का घोटाला आप लोग बता रहे थे, क्या और बढ़ने की संभावना है? इसके संबंध में अभी अनुसंधान जारी है जिसके लिए इनकी अरेस्ट की गई है। ठीक है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।